वेरी हैप्पी विद माई हेयर रिजल्ट. पांच वर्स्ट चीजें कौन सी हैं जो मैंने की ट्राई की, ट्रीटमेंट में फेस की. ये ट्रस्ट में, ये जो हेयर मार्केट है ये पूरा भरा पड़ा है प्रोडक्ट से. तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मन में बहुत सारे डाउट है अपने ये करके कि बालों को कैसे जल्दी से ग्रो करें और जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल. मेरा नाम है राहुल गौतम और आज मैं ये वीडियो काफ़ी लोगों के कहने पर ला रहा हूँ जो कि मेरा हेयर कट प्रोसेस और रिजल्ट देखना चाहते थे. तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मन में बहुत सारे डाउट है अपने हेयर प्रोसेस को लेकर के कि बालों को कैसे जल्दी से ग्रो करें और जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं. तो ये इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें और इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना. आज मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी किस तरह की रही. मुझे पूरा 1 साल हो गया है ट्राई को यूज़ करते हुए और मैंने अपना फर्स्ट किट जो खरीदा था वो अगस्त 2023 में खरीदा था, ये सोचकर कि लास्ट चांस में इसको देके देख लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. काफ़ी होप्स लेकर के मैंने ये चीज़ ट्राई की थी और इसका फर्क ज़रूर पड़ा. तो इस वीडियो में आज मैं पूरा बताने वाला हूँ कि मेरा जो जर्नी रहा है किस तरह का रहा है. ये ज्ञान बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना. और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो. तो ये आ गई मेरे पास ट्राई की एक और किट, ये है मेरी 11th किट. तो इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ. इसका प्राइस मुझे अराउंड पड़ा है 950 रुपीज़. ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं 950 रुपीज़ में मैंने क्या क्या मंगाया. तो इसमें मैंने वही एज इट इज़ जो अपनी मेन दवा है वो है मिनोक्सिडिल, आप देख सकते हैं हमारा डिफेंस शैम्पू, पर इसके अलावा मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है. तो अब इसको तो यूज़ करते करते मुझे पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और सच बात बताऊं तो इसको आप नहीं छोड़ सकते. कितने ही क्वेश्चन लोगों के हैं कि मिनोक्सिडिल लगाना है तो पूरी लाइफ टाइम तक लगाते रहेंगे. हाँ, पूरी लाइफ टाइम तक लगाते रहना पड़ेगा अगर आपको अपने बाल चाहिए तो. इस बात को अपने जहन में अच्छे से बैठा लो कि अगर अपने बाल चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको अपने स्कैल्प पर यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन सही चॉइस के साथ कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी. क्योंकि मार्केट में ये, ट्रस्ट में, ये जो हेयर मार्केट है ये पूरा भरा पड़ा है प्रोडक्ट से. आपको कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किस चीज़ पर ट्रस्ट करना है, किस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना है और किस बंदे पर ट्रस्ट करना है. तो आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से कि ये जो जर्नी रही है पूरी 1 साल की, ये काफ़ी चैलेंजिंग रही है. और इसमें जो एक पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी. अपने किसी भी ट्रीटमेंट के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे आपकी किसी भी चीज़ की कोई ग्रोथ हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. तो अब जो लोग जिनको अभी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जिनको देखना है कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, तो आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं. मेरे बालों का अभी जो कंडीशन है, आई होप टचवुड इट्स रियली गुड राइट नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई हेयर रिजल्ट. तो मैं आज ट्राई का पूरा आपके सामने पूरी जो प्रोसेस है, पूरा जर्नी जो रहा वो रखूँगा. और इसमें 5 बेस्ट चीज़ें मेरे हिसाब से क्या रही. सबसे पहली बात ये रही कि एक बंडल पैकेज में आता है. सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना हेयर रिजल्ट में, वो ये है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सिंपल हो और आपके लाइफस्टाइल में जेलअप कर सके ईजिली. तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक बंडल पैकेट में आता है, आपने सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, आप इस पर ट्रस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो है, स्टार्टिंग में कॉस्टली रहता है, जो किट पड़ती है आपकी 2200-2400 उतने की पड़ती है. और आई नो उसमें सारे प्रोडक्ट्स यूजफुल नहीं है, कुछ प्रोडक्ट जैसा मार्केटिंग गिमिक जो आपको सेल किया जा रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही प्रोडक्ट लें, आप सिर्फ वही प्रोडक्ट लें जो आपके लिए यूज़फुल हैं. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट एट द एंड थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है. यार आप किसी भी ट्रीटमेंट में खर्च करोगे ना तो इतना आपको आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई PRP लो या कोई अलग तरह का ट्रीटमेंट लो, इतना तो आपका आएगा ही. तो मेरा अराउंड 2400-2500 ऐसे आता था इनिशियली. थर्ड पॉइंट जो है इनका सपोर्ट सिस्टम, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि बंदा कॉल करके अपने आप सामने से पूछता है कि सर आप कैसा फॉलो कर रहे हो ट्रीटमेंट या नहीं कर रहे हो, आप अपनी मेडिसिंस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो टाइम से, आपका स्लीप कैसा है, आपका डाइट कैसा है. तो ये सारी चीज़ों पर वो लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं. चौथी चीज़ जो है मैंने अपने केस में देखी और काफ़ी लोगों का भी देखा कि उनको विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि, ऐसी बात भी है कि कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक इनका साइड है, बट कुछ मोस्टली लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं
ट्रीटमेंट से। और पांचवी चीज कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है इसमें मेडिसिन कम होती जाती है और ये मोर अफोर्डेबल होता जाता है। लाइक अब मुझे जो पड़ रहा है वो अराउंड मेरा मिनोक्सिडिल पे ही खर्चा आ रहा है जो कि 600 समथिंग का पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मुझे बाकी चीज़ों पे और कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी पाँच बेस्ट चीज़ें। अब हम चलिए इस चीज़ पर बात कर लेते हैं कि पाँच वर्स्ट चीज़ें कौन सी हैं जो मैंने कि ट्राई की ट्रीटमेंट में फेस की। देखो ट्राया की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो चल रही है ना, आप जरा सी भी बात करोगे हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी अपने फ्रेंड से तो आपको तुरंत एक ऐड दिख जाएगा। और वो ये भी नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान जिसका हेयर फॉल हो रहा हो वो आपको ऐड दिखाए, एक सुपरस्टार आकर के एक एक्टर आकर के आपको ऐड दिखाएगा जिसने शायद इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना की हो जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो अपने हेयर फॉल से रिलेटेड। मैं जानता हूँ किस तरह का एक डीमोटिवेशन फील होता है जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है या जब आपका स्कैल्प विजिबल होने लग जाता है, जब लोग आपको सामने से आके बोलने लगते हैं यार जरा देखना तेरे बाल जरा दिखाना ये ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, हाँ हो रहा है यार, चल एक काम कर ये तेल यूज़ कर ले। तो इस तरीके के लोग आपको आकर देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो स्टार्टिंग तो रहा वो बहुत अच्छा रहा, बट इस इनके जो प्रोसेस में ना कोई ये नहीं बताता कि आपको जब 9 मंथ्स हो जाएंगे या 10 मंथ्स हो जाएंगे तो किस टाइप का आपका रिजल्ट रहेगा या फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो इस चीज़ में इनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी वीक है। और जब आपके 6-8 मंथ्स हो जाते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि यू नो द ब्रांड की वो क्या कर रहे हैं और कैसा प्रोसेस है, तो आपको भी पता चल जाता है कि किस टाइप की चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो वो कहीं पर मुझे ब्रेक होता हुआ लगा एट द एंड। और दूसरा पॉइंट ये है कि देर इज नो क्लियर क्लू कि ट्रीटमेंट कब एंड होगा, आपको कब तक ये ट्रीटमेंट यूज़ करना है कब तक नहीं करना है, ये आपको कोई भी नहीं बताता है, ना उनकी टीम बताती है, ना उन्होंने इस तरह की कोई वीडियो डाल रखी है, ना वो ये बताएंगे कि आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना ही करना होगा। तो ये इनकी तरफ से कोई भी क्लू नहीं है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ख़राब चीज़ लगी पर्सनली, क्योंकि आपको एटलीस्ट जब आप स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से बता रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट भी तो बताओ कि उसको कब तक फॉलो करना पड़ेगा कब तक नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ यार जो कि मतलब ये जो सवाल है ना ये हर बंदे का सवाल है, कोई भी आके कहीं भी आप जाके देखोगे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हेयर फॉल कब बंद होगा, क्या अभी भी आपको हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हेयर फॉल मुझे अभी भी हो रहा है और मेरे कम से कम 25-30 बाल एक बार में टूट कर मुझे दिखने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ को जब आप इनके पास लेके जाओगे ना तो ये क्या बोलते हैं कि सर अगर आपके दिन में 50 से 100 बाल भी टूट रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल है। और ये इन्होंने अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली है, पक्का सही से बता रहा हूँ आपको, ये इन्होंने हर जगह बोल रखा है, ये अपने इन्होंने यूट्यूब पर डाल रखा है, इन्होंने इंस्टाग्राम पर डाल रखा है और ये चीज़ वो सबको ही बता रहे हैं। इवन इनके कस्टमर केयर को भी कॉल करो ना तो वो भी यही बोलते हैं कि सर आपका अगर आपको इतना हेयर फॉल हो रहा है तो ये तो सर नॉर्मल है, अगर सर आपका आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो, सर आप डाइट अच्छे से ले रहे हो, अच्छा सर आपका शायद स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है। तो इस तरीके के जवाब देते हैं, इनके पास कोई क्लियर आंसर नहीं है इस चीज़ का कि हेयर फॉल कब बंद होगा। बट ऑनेस्टली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि हेयर फॉल नहीं बंद होता, हेयर फॉल आपको होता रहेगा, बट द अमाउंट ऑफ हेयर जो जितने ज़्यादा टूट रहे हैं या कम टूट रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो वो दिक्कत की प्रॉब्लम है। और लेकिन इनका आंसर यही रहता है, तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ज़्यादा बेकार लगी। अब आ जाते हैं हम चौथी और बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो इन्होंने डिज़ाइन जो किया है, चलो ठीक है इनिशियली आपको ये बताते हैं कि 3 महीने तक आपको हेयर विटामिन लेने हैं, 8 मंथ्स तक आपको हेयर रस लेना है, उसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी बूस्टर लेना है, और इनके जो मेडिसिन है वो भी उन्होंने इतने ज़्यादा कॉस्टली कर रखे हैं कि 500 रुपये की एक मेडिसिन आती है, 600 की मेडिसिन आती है। तो इसमें जो लूप होल सबसे बड़ा वो ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक जो हेयर विटामिन लेने हैं वो तो इट्स जस्ट लाइक बायोटिन, आप अपनी बॉडी में सप्लीमेंट्स डाल रहे हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है, तो वो तो ठीक है उससे तो असर होता है, उससे बाल भी मेरे टूटना बहुत ज़्यादा कम हुए जब मैं हेयर विटामिन ले रहा था, बट इनका वो कोर्स 3 मंथ्स तक के लिए, उसके बाद जो है ना जो ये हेयर रस वो साथ साथ चलता रहता है और जो इम्यूनिटी बूस्टर है ऑनेस्टली उससे मुझे एक आप जब कोई आप मेडिसिन खाते हो कोई सप्लीमेंट डालते हो आपको इंटरनली भी कुछ फील होता है या लगता है, पर मुझे नहीं लगा कि उस हेयर रस से या उस इम्यूनिटी बूस्टर से मेरे अंदर कुछ फ़र्क पड़ा। और जब भी मैंने इस चीज़ को उठाया तो उनको सवाल किया तो वो यही बोलते नहीं इससे सर आपको फ़र्क पड़ता है इससे होता है, इट्स हेयर रस जो है इट्स लाइक अ डाइजेस्टिव थिंग, मुझे लगता है कि आपने गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो ये लोग बोलते हैं कि गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप अपने आपको हेयर रस सर आपको लेना चाहिए,
बट वो उससे ज्यादा तो शायद मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ जब मैंने अपने लाइफस्टाइल पर फोकस किया, जब मैंने अपनी चीजों पर फोकस किया कि मैं अपने लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करूँ और उस चीज में चेंज करके मैं उसको एक अच्छा रूटीन बनाकर कैसे उस पर फोकस कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो है, अब आपने हेयर विटामिन ले लिया, हेयर रेस्ट लिया, लेकिन जब आपके 8-9 months कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको अपना हेयर फॉल कैसे मैनेज करना है और आपको किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज, क्योंकि अब तक तो आप दवाइयाँ ले रहे थे, दवाइयों की वजह से आपके बाल टूटना कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से बाल जो टूटना स्टार्ट हुए उसके बारे में भाई कौन बात करेगा, उसके बारे में भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता, सिर्फ लास्ट इनका जो है ये मिनोक्सिडिल पे चल रहा है और यही चीज है जो आपके बालों को लाती है वापस से। ये आप चाहे ट्राया का ले लो, चाहे किसी और भी कंपनी का ले लो, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यही चीज है जो मेनली हेयर की ग्रोथ है, बाकी जो चीजें हैं वो सिर्फ साइड एलिमेंट है जो आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। स्टिल आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। हर किसी की बॉडी हर अलग तरीके से रिएक्ट करती है प्रोडक्ट्स पर। मिनोक्सिडिल हो सकता है मेरी बॉडी पर अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है बट किसी और इंसान के बॉडी पर अच्छे से रिएक्ट ना करे, उसको स्कैल्प में इचिंग होने लगे या कुछ और प्रॉब्लम होने लगे, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। पांचवी चीज़ जो है, इट्स लेट्स कम अबाउट द डाइट। अगर आप इनकी ऐप को खोल के देखोगे ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी वो शायद आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो ना कर पाओ, क्योंकि एज अ इंडियन हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा अलग रही है। और ये यार मान लो आप 20 साल से वही खाना खा रहे हो जो आपके मम्मी पापा बना रहे हैं, वही चीज़ें सडनली आप सोच रहे हो उसको भी चेंज कर दो और छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी लाइफ में दुनिया भर की चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों की आपको टेंशन होगी, कितनी चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। चलो आप में मोटिवेशन ला करके भी एक दिन के लिए आपने आपने सोचा कि चलो ठीक है 21 चैलेंज करता हूँ, 21 डेज वाला चैलेंज करके मैं अपनी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बट यू कम बैक ऑन द सेम थिंग अगेन, वो फिर आपका टूट जाता है वो रूटीन, फिर आपको डिमोटिवेशन होता है, फिर आपको लगता है कि आप अपने बालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और ये जो डाइट और ये सब चीज़ें हैं, दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस एंड वेरी डेलिकेट थिंग्स, लाइक इनको ना आपको, दीज आर रूटीन पार्ट, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि बहुत मुश्किलों से लोगों में चेंज होती हैं, तो इसको जितना आप सिंपल करोगे ना वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके। डाइट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयर केयर, नो डाउट, बट उसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाए। हम ऐसी चीजें ना करें जो भाई हम फॉलो ही ना कर पाए। मान लो वो बोल रहे हैं कि आपको रोटी नहीं खानी, रोटी की जगह आपको फॉर एग्जाम्पल जौ की रोटी खानी है, तो वो इंसान कब तक अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर लेगा यार? कहीं बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ खा लेगा, उसका मन करेगा, फिर उसको वहां पे वो गिल्ट ट्रिप होगी कि मैंने ये खा लिया, शायद इस वजह से मेरे बाल टूट, तो ये चीज इसके बारे में कोई नहीं बता रहा और ना ही ये खुद से बताते हैं। सिर्फ ये बोलते हैं सर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, सर आप कैसा कर रहे हैं, ये मैं भी कस्टमर केयर बन के बोलूंगा, हेलो सर आप कैसे हैं, आपको नींद अच्छी आ रही है, अच्छा अच्छा सर आपका बाल शायद इस वजह से टूट रहे होंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं आ रही ना इस वजह से, तो ये चीज पे इन्हें ध्यान देना चाहिए। अब शायद आपको भी लग रहा हो कि मैं इनके फायदे से ज्यादा इनकी खामियां गिना रहा हूँ, बट ये चीज जेन्युइनली है जो मैंने फेस की है अपने ट्रीटमेंट में। और वही सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेडिसिन से रिलेटेड इनका कोई वो नहीं है कि आपको खुद से फील होगा कि मेडिसिन से आपके बॉडी में कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस आप डाल रहे हो अपने बॉडी के अंदर, तो वो मुझे कहीं किसी पॉइंट पे सही नहीं लगा। और वो मैंने 6 months में वो मेडिसिन वगैरह लेना ना बंद कर दिया, अब सिर्फ मैं यही मिनोक्सिडिल ही ले रहा हूँ और अपने लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहा हूँ बस। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने अपनी हेयर जर्नी में क्या क्या सीखा, मेरे क्या तजुर्बा रहा जो कि आप लोगों के काम आएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरी जो हेयर जर्नी रही है, जितना भी मेरा प्रोसेस रहा है, उससे मैंने क्या सीखा, और आपको अगर स्टार्ट करना है अपनी हेयर जर्नी तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह का रूटीन मैं फॉलो करता था, मेरा ब्लॉग देख सकते हैं आप, मेरा पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम से, अपने गंजेपन को लेकर के, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले शांति से सोचिए और सही प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्राया को चूज़ कीजिए, सही प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। मेन जो देखिए मेन जो इंग्रेडिएंट है ना, आपको कोई नहीं बताएगा, मेन इंग्रेडिएंट मिनोक्सिडिल ही है। ये मुझे भी यकीन नहीं होता था स्टार्टिंग में कि मैं इसको यूज़ करूँ या ना करूँ, या फिर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, बट
यूज करके देख करके तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज बेस्ट है कौन सी नहीं है। और एक और चीज मैं इस चीज को एंड में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, एंड में बताऊंगा कि सच क्या है, इसके आगे की जर्नी क्या होने वाली है और किस तरीके से आप अपने बालों पे फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो आपने सुना ही होगा और यही चीज है। कंसिस्टेंट रहिए, स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं होगा कि कुछ भी आपने अपने सर में डाला, कुछ भी खाया और आपको तुरंत 15 दिन में रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, आपको वेट करना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब जाके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जिम में जाते हो ना, जिम में जाते हो, डंबल्स उठाते हो, एकदम ही थोड़ी बॉडी बन जाती है, टाइम लगता है चीज़ों में। तो वेट करना सीखो, वेट करो और टाइम लगेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये ना एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आपको अपनी हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। बालों का केयर करना इज अ प्रोसेस, उसको आपको हैबिट में बनाना है कि धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हो आप अपने बालों के लिए कर रहे हो। और ऑनलाइन देखना चीजें बंद कर दो, सब लोग चीजें बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं दुनिया भर के, उनका कोई फायदा नहीं है। मेरे से ले लेना आके तेल, मेरे पास कितने तरह के तेल पड़े हैं, मैं 10 साल से तेल ही यूज कर रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो तेल जो है सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं है। आप 500-600 का तेल मंगाओगे, इतना मेहनत करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इंटरनली आपके अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से आपके बाल टूट रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के अंदर डाइट की वजह से होता है, किसी के लाइफस्टाइल की वजह से होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब द बटन और लाइक द वीडियो, ठीक है। और लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपका मेल फ्रेंड हो चाहे आपकी फीमेल फ्रेंड हो। फीमेल को तो और ज्यादा दिक्कत होती है, उनके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है कि उस वजह से उनके बाल टूटने लग जाते हैं। हमारे अंदर तो फिर भी वही है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस और डीएसटी यानी ये वो फलाना ढिकाना में तो पता है, लेकिन फीमेल में तो और ज्यादा चीजें होती हैं। अब तीसरी चीज ये है कि ट्रीटमेंट जितना ज्यादा सिंपल होगा ना, उतना ज्यादा इफेक्टिवली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा आप उसको अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कर पाओगे और उस पर टिके भी रहोगे। क्योंकि लाइफ में ना सिर्फ बाल ही नहीं है, बहुत चीजें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ में नहीं है, उनकी लाइफ में आने वाली हैं। और जिनकी लाइफ में हैं, जो 28, 29, 30 साल के हो चुके हैं, उससे ज्यादा के उनको पता है कि लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें हैं, तो सिर्फ बाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपल रखो जितना सिंपल हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए तेल वर्क कर जाए, बट मुझे नहीं लगता तेल वर्क करता है किसी के लिए। जिनको सिर्फ हेयर फॉल की ही प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, अगेन हेयर लॉस एंड हेयर फॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अपना लाइफस्टाइल को बेटर करना, अपने लाइफस्टाइल में अपनी डाइट को बेटर करना, एक ऐसा शैम्पू यूज करना जो केमिकल फ्री है, ऐसी हैबिट्स को बिल्डअप करना जो स्लोली आपके हेयर के प्रोसेस को अच्छा करेगा। स्लोली, अगेन इम्फेसाइज कर रहा हूँ, स्लोली, एकदम से चीजें चेंज नहीं होंगी। आप अपनी लाइफस्टाइल को कितना बेटर कर सकते हो, आपका प्रोटीन इनटेक कितना है दिन भर में, मैंने पास्ट 6 मंथ्स में मैंने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। थैंकफुली मैं एक कोच को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप भी उनको फॉलो कर सकते हो, पुनीत राव उनका नाम है। उनका वर्कआउट मैं कर रहा हूँ 6 मंथ से, मुझे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिले। मेरी छोटी छोटी हैबिट्स की, मेरा वाटर इंटेक कितना होना चाहिए, मेरे बॉडी में प्रोटीन कितना जा रहा है, इन चीज़ों के लिए मैं माइंडफुल हो चुका हूँ। और प्रोटीन से ही आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलता है, स्ट्रांग होते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। वाटर इनटेक अच्छा होगा आपको, ऑलरेडी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्राई की मेडिसिन लेने की या किसी और मेडिसिन लेने की, ठीक है। तो उस चीज़ का, और स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस से भी बाल जाते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यार उठो, एक्सरसाइज करो, अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, इस दुनिया में आए हो उसके लिए एक थैंकफुल फील करो। और ट्रस्ट मी, और आई नो बहुत खराब लगता है यार, बहुत ज्यादा खराब लगता है जब आपके बाल टूटते हैं, जब आपको लोग पॉइंट आउट करते हैं। इवन मुझे याद है, मुझे एक टाइम पे जब मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटने लग गए थे ना, मैं अपनी सेल्फी खींचना बंद कर दिया था यार। मुझे, आई लव माई सेल्फ, बट मैंने उस चीज को नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगता था, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था। किसी लड़की से बात करने में मेरे माइंड में ये थॉट्स आते थे कि उसको लगेगा कि यार इसके तो बाल ही नहीं है, या फिर ये तो गंजा है, इस टाइप की चीजें। तो स्लोली स्लोली चीज़ों को बिल्डअप करना पड़ेगा, लेकिन यार मैंने हार नहीं मानी। मैं स्ट्रेस लेवल से भी गुजरा हूँ, मैं एनजाइटी से निकल के आया, मेरे उसी चीज़ की वजह से बाल ज़्यादा टूटना स्टार्ट हुए थे, बट हार नहीं माननी, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। पर यही सीखा मैंने अपनी जर्नी से, और यही इसी का रिजल्ट है कि मैं आज आप सबके सामने यूट्यूब पर वीडियो ला रहा हूँ, वरना शायद मैं यूट्यूब पर नहीं आता,
ये एक प्रोसेस हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये हुआ। मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और मुझे पूरा 1 साल हो गया है इस चीज़ को यूज़ करते हुए। अपने सिर्फ बालों की नहीं, बाल तो सेकेंडरी चीज़ हो गए अब, कि मेरा यूट्यूब ग्रो होने लगा, मुझे चीज़ों को पता चला कि मैं कैसे मुझे करनी चाहिए, मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, कितने लोग इस वीडियो को देख करके शायद उनको एक होप मिलेगा, उनको एक अच्छी चीज़ मिलेगी कि अगर ये बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, मैं अपना आपको हेयर रिजल्ट दिखा देता हूँ। वही वैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर मुझे लग रहा है अब तो। आपने मेरी ये देख सकते हैं आप, ये मेरा हेयर रिजल्ट है और यहाँ यहाँ तो देखो मेरी चोट थी बचपन में, तो यहाँ तो बाल आए नहीं, बट यहाँ ये मुझे थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है। ये एरिया इस एरिया में ही रह गया, ये वाला जो एरिया आप मेरे पहले वीडियो में जाके देखोगे ना तो उसमें देखना, यहाँ एरिया में मेरे बहुत कम बाल थे और अब जाके वो सब चीज़ें ठीक हो गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने Day 1 से लेकर के पूरा 9 मंथ्स तक का रिजल्ट दिखाया है, जिस तरीके से हेयर का ट्रांजिशन हुआ है, पहले कम थे उससे धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगे। तो आप भी कमेंट्स में बताइए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको लगता है कि बाल कम हो गए या रिजल्ट अच्छा आया है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, शैम्पू वगैरह यूज़ करता रहता हूँ, डाइट का मैंने आपको बता ही दिया है, वो मैं अपनी अच्छी रखता हूँ। वीक में 2 बार 3 बार शैम्पू यूज़ कर लेता हूँ, 2 3 दिन छोड़ के ऑयल यूज़ कर लेता हूँ अगर उनका जो है मेरे पास वही। अब अपनी तरफ से कोई नया ऑयल नहीं ले रहा हूँ। और एक अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जितने भी ये ट्रीटमेंट है ना, जितने भी मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, PRP हो गया, मिनोक्सीडिल हो गया और दुनिया भर के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, ये जब ट्रीटमेंट जो है ना, ये सिर्फ आपके मेंटेनेंस के लिए हैं बालों के, सिर्फ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जो आपके अभी एग्जिस्टिंग बाल हैं वो इनसे बच जाएंगे, वो इनसे उनका साइकिल थोड़ा डिले हो जाएगा टूटने का, वो टूटेंगे लेकिन उनका डिले हो जाएगा तो वो बचे रहेंगे। आपको ये नहीं होगा कि आपके जो आप सोच रहे हो कि अभी हेयर लॉस हो गया है, मैं ऐसा सोचूं मेरा जो हेयर लॉस हो गया वो पुराना मेरा वही बाल वापस आ जाए जो लहराने वाले ये इस तरह के रहते थे, वो नहीं आएंगे। इस चीज़ का मैं आपको क्लियरली बता दूं, तो ये आपके मेंटेनेंस के लिए है। अब किसी के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है इस टाइप के ट्रीटमेंट्स, किसी को कम हुआ है तो उनसे मेंटेन हो जाएंगे। एट द एंड सॉल्यूशन इज ट्रांसप्लांट, वही सॉल्यूशन है। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई मुझे अभी उससे डर लगता है, साफ सीधी बात बता रहा हूँ, मुझे वो प्रोसेस ही देख के बहुत भयानक लगता है कि उसमें बाल लगा रहे हैं। बट शायद मैं आगे फ्यूचर में करा लूँ जब मुझे लगे सही लगे या मुझे सही डॉक्टर मिले जिनसे मैं कंसल्ट कर सकूँ, बट अभी मुझे डर लगता है पर्सनली। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप अपना पैसा लगाइए लेकिन सही जगह लगाइए, ठीक है। नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सस्ते के चक्कर में मत भागिए, शॉर्टकट मत निकालिए, स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए, जेन्युइन चीज़ लीजिए, थोड़ी महंगी भी होगी, रिजल्ट मिलेगा, आपको अंदर से खुशी होगी, ठीक है। रही बात मिनोक्सीडिल, ये सब चीज़ किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, खुद से फिनेस्ट्राइट और फॉली हेयर, कितनी तरह की टेबलेट्स वगैरह जो भी हैं लोग कमेंट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए तब लीजिए। किसी को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, किसी ने भी रिसेंटली कमेंट किया था कि उनके स्कैल्प में बहुत इचिंग होने लगी मिनोक्सीडिल लगा करके, तो भाई डॉक्टर से कंसल्ट करो, हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, कंसल्ट कीजिए फिर लीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कुछ कीजिए, बैठिए मत, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ही बेटर कर लीजिए, एटलीस्ट आपको बॉडी वाइज तो अच्छा लगेगा अंदर से। और फिर बता रहा हूँ सारे ट्रीटमेंट सेम है, आप ट्राई की जगह और भी ब्रांड है, मैन मैटर सेम चीज़ बेच रहे हैं, सेम बालों के लिए बायोटिन मिनोक्सीडिल एंड ऑल शैम्पू सबका सेम है, बस नाम बदल गए हैं, चीज़ें इंग्रेडिएंट्स कभी पढ़ के देखोगे सिमिलर ही मिलेगी, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत भागिए, मार्केटिंग गिमिक से बचिए, ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने भी लोग देखोगे अभी एट द एंड रिजल्ट यही है कि वो अब सब अपने लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे हैं कि अपनी डाइट उनकी कैसे अच्छी कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मैंने क्या क्या इन्वेस्ट किया अपने बालों के लिए, जो इन्वेस्ट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा रीसेंट वीडियो का जो मैंने क्रिएट किया था, ये भी आप देख सकते हो, ये भी मैंने क्रिएट किया था, एंड दीज आर द पीपल हु इंस्पायर मी इन माई लाइफ,
ये है माय इन्वेस्टमेंट। तो देखो मैंने ये डंबल्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली उठ के, ये है मेरा योगा मैट। तो इस साल ना दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने अपनी हेल्थ पर किया है। पता है मैंने डंबल्स खरीदे 2,500 के मेरे डंबल्स आए 5 kg के, उसके अलावा फिर मैंने और डंबल्स में इन्वेस्टमेंट किया एंड उसके बाद मैंने अपनी डाइट पे इन्वेस्टमेंट किया। मैं प्रोटीन कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इस ईयर मैंने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है, और ये मैंने अपनी हेल्थ कोच से सीखा, पुनीत राव उनको, जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। तो स्लोली मैंने अपनी हैबिट्स में चेंज किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोटीन का डब्बा है ये जो मैंने मंगाया है, तो आप भी इस डब्बे को मंगाइए। तो एक और अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि अब जो मेरा चैनल है मैं इस पर हेयर रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा और DIY वीडियोस भी बनाऊंगा। मैं एक डिज़ाइनर हूँ, आई एम अ डिज़ाइनर, आई डू डिज़ाइन फर्नीचर प्रोडक्ट्स इंटीरियर्स वगैरह, मैं सब करता हूँ, मुझे बचपन से इन्हीं चीज़ों का शौक है। तो मैं ये भी करूँगा साथ में, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड फॉलो माई गाइडलाइन, और कमेंट करके बताइए मेरी दी एडवाइस आपको कैसी लगी, बिल्कुल जेन्युइन है, किसी से मैं कोई भी एक तरह का पैसा नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इट्स अ फ्री एडवाइस, मुझे एक साल तक हो गया यूज़ करते करते, आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, जान लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ें मत यूज़ कीजिए और अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। तो एक और चीज़ भाई लोग, मैंने अपना एक नया इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया है, एज आ आप लोग जानते हैं मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने सारे वही वीडियोस पोस्ट करता हूँ, DIY चीज़ें जो आप अपने घर में अपने होम डेकोर रिलेटेड चीज़ें आप बना सकते हैं खुद से भी, और प्लीज़ जाके उस पेज को फॉलो कीजिए और आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं। तो प्लीज़ उस पेज को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, थैंक यू।